पिछले कुछ दिनों में आप लोग ने हम लोग को देखा रहेगा, वी हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर क्योटो, बट दिस वन प्लेस, ये एक जगह देख के हम लोग को ऐसा लगा, अगर आप ऑटम सीजन में जापान आ रहे हो तो ये जगह देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज हम देखने वाले ऐसा स्टेशन जो लाइटों से लटपट हो गया है। अभी हम लोग नानजेन जी टेम्पल आए हैं। यहाँ का जो मेन एंड अच्छा देखने वाला व्यू पॉइंट है वो यहाँ पे वो एक्वाडक्ट करके है। एक्चुअली हम लोग को नाइन आर्चेस ब्रिज बोल के आदत है, क्योंकि हम लोग ने श्रीलंका में ऐसे ही सेम मेन स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ही सेम राउंड राउंड वाला स्ट्रक्चर देखा था, पर यहाँ पे ये लोग एक्वाडक्ट बोलते हैं, मतलब नीचे से पानी जाने के लिए रास्ता जो बनाते हैं उसको बोलते हैं। और ना दूसरा, यहाँ पे जो होजो गार्डन और नानजेन इन गार्डन, ऐसे दो गार्डन है जो आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग नहीं गए क्योंकि दोनों में उन्होंने 500-600 एंट्रेंस टिकट रखा था, जो कि हम लोग को थोड़ा एक्सेस लगा, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। पर ना हम लोग ने इस बात से तसल्ली कर ली कि आजू बाजू में भी ये लोग ने जो जगह इतना मेंटेन रखा है कि इसकी वजह से ये भी एक गार्डन जैसा दिखता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसा नहीं है कि वो गार्डन नहीं जाने मिला इसलिए ये प्लेस आना वर्थ इट नहीं है। तो सिर्फ वो एक एक्वाडक्ट देखने के लिए, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखने के लिए, ये बड़े बड़े टेम्पल्स देखने के लिए यहाँ पे ज़रूर आइए, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर का फील लीजिए, क्योंकि पीछे पहाड़ है। और ना दूसरा एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सामने जो बड़ा गेट दिख रहा है इसको सानमोन गेट बोलते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, दो टाइप के यहाँ पे रहते हैं, किसी किसी को ये लोग टेम्पल बोलते हैं, किसी किसी को श्राइन बोलते हैं। तो जब मैंने गूगल पे पढ़ा कि श्राइन जब बोलते हैं तब वो लोग के उसके सामने जो फुशिमी इनारी में था वैसा टोरी गेट बनाते हैं, लाल कलर का जो गेट रहता है, और जो टेम्पल रहता है तो उसके सामने ये सानमोन गेट बनाते हैं। बहुत बड़ा गेट है, देखिए ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में ऐसे कम ही गेट रहेंगे जो वुड से बना इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया रहेगा। दुख लेगा।
जापान में अक्सर लोग दो मंथ्स में विज़िट करते हैं, एक नवंबर में और एक अप्रैल में। अप्रैल में चेरी ब्लॉसम का सीज़न होता है और नवंबर ऑटम लीव्स चेंज करने का सीज़न होता है। तो अभी हम लोग नवंबर में आए हैं तो हमको लगा कि एग्जैक्ट हम टाइम मैच करेंगे कि नहीं, पूरा जो रेड हो जाते लीव्स का कलर वो देखने का। पर अभी एकान दो टेम्पल में आए तो हमको पता चला कि हम लोग राइट टाइम पे आए हैं। और ये जो टेम्पल है वो इसका मतलब पीक देखने का एक मस्त जगह है कि, तो आप लोग जब नवंबर में आएंगे तो ये टेम्पल ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि इस टेम्पल को विज़िट करने पे आपको रियली ऐसा समझ में आएगा कि क्यों नवंबर पीक सीज़न होता है। और मतलब जो पूरा रेड बोलते हैं ना और जो ब्यूटीफुल दिखता है, तो ऐसा लगता है कि यार इधर घंटों बैठ के इसको देखते रहे। सब लोग तो अलग अलग पोज में फ़ोटो लेते रहते थे और कोई भी जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो हमको तो लगा कि वर्थ इट है पूरा। तो आप भी आइए और इसका मज़ा लीजिए।
अभी किधर जाने का अपने को? आराशियामा बैंबू ग्रोव जाना है और बंद नहीं होता है, वो 24 आवर्स ओपन है। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ठंडी में 4:56 सनसेट का टाइम है और इनका सनसेट ऐसा नहीं रहता है, हमारे इधर सूरज डूब गया तो 2 घंटा मतलब फिर भी लाइट रहता है, इधर 4:56 को सनसेट और 10-15 मिनट में ऐसा हो जाता है कि पूरा रात का 12 बज गया। तो उसकी वजह से हमको उसी टाइम में वो सब कवर करके देखना है ताकि यार कुछ तो लाइट दिखे तो ही हम लोग उसका देख सकते हैं। 24 आवर चालू रह के क्या फ़ायदा? आगे आगे एक मिनट जूम करना, इधर से जूम नहीं हो रहा है। अभी आ गए अपन देख ऐसा कुछ तो लोकेलिटी दिख रहा है, क्या घर है यार इधर, एक एक सब बंगलो है, जबरदस्त जबरदस्त वाला। अभी ना हम लोग ने पीछे देखा, एक घर के बाजू में उसका खुद का पेट्रोल पंप था, मतलब खुद का पेट्रोल उसने नीचे शायद के रखा रहेगा पता नहीं। ओसाका टोक्यो ये सब जगह पे ना मेट्रो ट्रेन बहुत चलता है, बट क्योटो में ना बस का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे कि मैं बोलते आया हूँ हर वीडियो में कि 230 लेते हैं और कितना भी स्टॉप हो 230 देना और बस पहुँचा देते हैं, तो इधर बस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक और एक और एक और एक तो भाई ने ना बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा डीप वाला रिसर्च किया, तो उसके वजह से ना उसको सब कुछ पता है और इतना स्मूथ जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरा जगह, किधर भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। होता है कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा बट उससे भी हम लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि हम लोग ने इतना ट्रैवल किया, अभी ये एरिया में हम लोग थोड़ा सा इसके साथ कंफर्टेबल हो गए। और इतना रिसर्च यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये रिसर्च वेस्ट जाने नहीं देते। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बोला था, अभी भी वापस बोल रहा हूँ कि ये रिसर्च वेस्ट जाने नहीं देते। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग इसका एक छोटा सा कोर्स बना सके कि सब एकदम डिटेल में हम लोग एक लिख के एक नोट्स तैयार कर सके और वो हम आपको दे सके, तो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दो, हम लोग एक छोटा सा अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हैं और फिर वी कैन सेल दैट कोर्स टू यू, जिससे आपको भी मतलब जापान का आने जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। किसी को ऐसा पूछने का नहीं, खुद का रिसर्च करने का नहीं, बस देखने का और आ जाने का, एक शॉर्ट आइटिनरी टाइप कौन सा ट्रेन पकड़ने का क्या करने का। तो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो डाल दो कमेंट्स में, हम लोग बना के, अगर 100 जन ने बोला या 150 जन ने बोला तो हम लोग बना के डाल देंगे। हम लोग आए थे आराशियामा बाम्बू ग्रू, पर यहाँ पे सब कुछ, लाइट भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जो भी है हमारे लाइट से ही फ्लैश से काम चला है हम लोग ने। अभी हम लोग वापस बाहर जाएंगे और क्या करेंगे, कुछ खाएंगे। अरे बाप रे, भूख ना मतलब सर में चढ़ गया है मेरे, इतना ऐसा आवाज़ आ रहा है पूरे बॉडी में। और उसके बाद हम लोग ने इतना 31 स्टॉप्स ऑलमोस्ट लास्ट श्राइन से, कौन सा श्राइन था रे वो श्राइन का नाम क्या था, क्या कौन सा श्राइन से आए अपन, मतलब इसके पहले कौन सा श्राइन गए थे इसके पहले? एकांदो टेंपल। हाँ, एकांदो टेंपल गए थे। वहाँ से यहाँ आने तक हम लोग को 31 स्टॉप्स लगा,
इतना भूख वॉशरूम भी जाने का था। फाइनली हम लोग वॉशरूम गए, बट यहाँ आने के बाद हम लोग को ऐसा होप था कि बाम्बू ग्रुप दिखेगा। ये फोटो है जो मैं अभी डालता हूँ साइड में, जो ऑनलाइन ऐसा दिखा है कि रात को सब लाइट वाइट रहता है, कुछ लाइट वाइट नहीं रहता। इधर ही सुबह ही आओ ताकि अच्छा दिखे तुमको। पर बाकी सब ऐसा है, एक तो दो तीन दिन में कवर करना और फिर ये इधर पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर गेट बंद कर दिया, गेट बंद कर ओके, थोड़ा सा ही खुला है, ओके थोड़ा सा खुला है। तो हम लोग अभी आए हैं और यहाँ पे बाहर एक शॉपिंग स्ट्रीट जैसा कुछ तो है, उधर बहुत अच्छा है, उधर खाना भी मिलेगा अपने को। और उधर हम लोग ने एक फ़ोटो देखा था हम लोग ने, ऐसा पिलर्स है जो एकदम एलिमिनेट किया है, तो वो देखने मिलेगा अपने को बाहर जाने के बाद। बट अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलना है, कुछ भी लाइट नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। रात्री जी लाइट लावची जाऊ ना, बाकी सगळं चकाचक करून दवरला। नॉट बॅड, लोग अभी इधर 10 मिनट पहले बाम्बू पार गए, 10 नहीं 10-15 मिनट पहले गए रहेंगे। तो अभी इधर इतना गर्दी था, अभी बाहर आए सब कुछ खाली, एक आदमी नहीं, आदमी है पर बहुत ज़्यादा खाली है, इतना खाली है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वही स्ट्रीट है जो हम लोग पहले गए थे। इधर है ना, ये लोग ऐसा क्या बोलते, अंधेरा जितना फास्ट होता है ना, एक 15-10 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाता है, वैसे ही ये लोग एकदम ऐसा सब कुछ हो गया तो 15-10 मिनट में सब कुछ खाली कर देते हैं, ऐसे लगता है कोई नहीं रहता है यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा खाना ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये सब इधर सब कुछ बंद हो गया, हम लोग को कुछ खाने को चाहिए। पीछे एक रेस्टोरेंट दिखा बट इधर उधर सब 2000 के ऊपर है। तो इधर मैं बोल रहा था ना, बाहर सब सुवेनियर शॉप है, सुवेनियर शॉप का स्ट्रीट है, इधर इतना पैक था 15 मिनट में ही सब खत्म हो गया। दोस्तों आज हम देखने वाले ऐसा स्टेशन जो लाइटों से लटपट हो गया है, इतनी सारी लाइटें। देखिए आजू बाजू में, देखिए दूर तक, देखिए नज़दीक से, देखिए देख देख के आपकी आँखें हैरान रह जाएंगी स्टेशन को। ये है किमोनो फॉरेस्ट, आपको ये देखने मिलेगा सिर्फ ट्रैवल मैट ट्राइब पे। अभी जो आपने स्टेशन देखा वो
रानदेन आश्रियामा स्टेशन था और उसके सामने ही है ना ये तेनरुयू जी जेन टेम्पल है। ये हम लोग जा नहीं पाए बट आप इसमें ज़रूर जाना क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। इसका फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छा है। नवंबर में जो क्या बोलते हैं ट्रीज़ का कलर चेंज होता है ना वो इसके अंदर बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि वो टेम्पल के हर एक साइड पे लगाया हुआ है। बराबर बोला ना मैं? थोड़ा बीच में बब बब हुआ पर बराबर बोला। लोग जा रहे हैं अभी पोंटोक जो जो डिनर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योटो में। बस आ रहा है, 63 बस जाता है यहाँ से, तो अभी हम लोग बस पकड़ेंगे। हम लोग बहुत देर से खड़े थे तो एक एक बस आते जा रहा था बट आउट ऑफ सर्विस था। हम लोग ने पूरा दिन घूमने के बाद अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा है और ऐसा चांस वापस कभी नहीं मिलेगा। हम लोग को लेट भी हो गया है, कल सुबह जल्दी भी उठना है, फिर भी आपके लिए हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग स्पेस डाइनिंग आप बोल रहा हूँ मैं डिनर के लिए। हम लोग गए थे पोंचो तो बट हम लोग सोचा था कि हम लोग ने उधर जाके खाना खाना है, रात का डिनर हम लोग ने सोचा था यहाँ ही करेंगे बट यहाँ पे बार कल्चर है। और सेकेंडली हम लोग ने एक जगह पे देखा 550 yen बस सीट रिजर्व करने के लिए, मतलब सीट पे बैठने के लिए, फिर खाना का बात अलग है उसके आगे है, तो ये हम लोग के बजट के परे हो गया। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे हम लोग के
होटल के इधर, जैसे कि हम लोग ने कल लॉसन 7-Eleven, नहीं तो एक रेस्टोरेंट जिसमें कल हम लोगों ने रात को खाया था वहीं जाके हम लोग खा लेंगे। तो ये है क्योटो का मेन स्ट्रीट्स, यही मतलब जैसे अपने इधर मुंबई में चर्च गेट है, ये वही है ना क्योटो का एकदम मेन स्ट्रीट है ना, मेन एरिया है क्योटो का। ये आज क्योटो में लास्ट दिन है हम लोग, ये जो मेन स्ट्रीट है, हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ जो ऑफिस जाते हैं ना वो लोग सब लोग भी ब्लैक सूट पहनते हैं और वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनते हैं, और जो स्कूल जाते हैं ना वो भी शर्ट पहनते हैं और ब्लैक पैंट पहनते हैं और ब्लैक कोट पहनते हैं। रुक जाओ अभी। तो अभी हम लोग यासाका जिंजा में आए हैं, जिंजा मतलब श्राइन जैपनीज में। तो ये यासाका जिंजा जो है ये एरिया में एक ही श्राइन है जो 24 घंटा खुला रहता है, और जो यहाँ पे लैंटर्न्स की जगमगाहट है, और इतने सारे लैंटर्न्स लगे हैं और इतने सारे मतलब ये है क्या बोलते हैं उसको लाइटिंग है कि देखने का मज़ा ही दुगना हो जाता है उसके वजह से। तो रात को अगर आपको कोई श्राइन देखना है तो ये यासाका जिंजा जो है ये मेन जो स्क्वायर है उससे 10 मिनट की दूरी पे ही है, और यहाँ से बाकी सिटी के लोकेशंस पे वेल कनेक्टेड है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आपके पास थोड़ा ही टाइम है और रात हो गई है और आप किधर कोई भी श्राइन विज़िट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो श्राइन्स है वो 5 बजे बंद होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यासाका श्राइन। माई रिकमेंडेशन ट्रैवल माई ट्राइब। तो फाइनली हम लोग रूम पे आ गए। आज का दिन बहुत अच्छा था, हम लोग ने बहुत कुछ नया नया जगह देखा हम लोग ने, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट यू आर वॉचिंग टू। हम लोग जस्ट डिनर करके आए,
तो डिनर में वी हैड करी राइस। कल मैंने हम लोगों ने सेम रेस्टोरेंट में खाया जो कल खाया था, वाई से कुछ तो नाम है, या ना भी नाम याद नहीं है, बट कल मैंने बहुत होशियारी करके खाना मंगाया था। आज मैंने भाई का सुना क्योंकि भाई ने बराबर आज फ्राइड चिकन के साथ करी राइस मंगाया तो अच्छे से खा पाए हम लोग। मम्मी के लिए रोज किसी साथ दही राइस मंगाया। ये एंड कंटिन्यूड जर्नी, नेक्स्ट कल हम लोग जाने वाले हैं टाकाओ का, तो 5 घंटे का जर्नी होने वाला है। सुबह हम लोग को जल्दी 6 बजे उठना है, 6 बजे, अभी बज रहा है 12, तो हम लोग को 6 बजे उठ के 7 बजे निकलना है। तो टाकाओ का जाते टाइम टोटल 5 घंटे का जर्नी वाला है। 3 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुँचेंगे कानाजावा, हम लोग वो घूमेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे का जर्नी करके हम पहुँचेंगे टाकाओ का। कल का वीडियो भी आप देखोगे, ऐसे ऐसे ही हम अपेक्षा करते हैं, शायद ये हिंदी सही है, होपिंग दैट यू विल सी द वीडियो टुमारो। अभी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट बिकॉज वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट टू शो यू एवरीथिंग। अभी के लिए बस गुड नाइट, बाय बाय, शबक है।